उज्जैन के नीलगंगा थाना क्षेत्र अंतर्गत न्यू इंदिरा नगर बस्ती में 8 साल के मासूम की बेरहमी से हत्या कर दी गई। उसके शरीर पर जले हुए निशान मिले हैं। पुलिस और परिजनों को किरायेदार पर हत्या की शंका है कि आरोपी किरायेदार ने ही मासूम को मारा होगा, जिसके बाद छानबीन की गई तो मासूम का शव सुबह किरायेदार के कमरे में मिला। घटना के बाद से आरोपी फरार बताया जा रहा है। उज्जैन के न्यू इंदिरा नगर में रहने वाले किराना दुकान संचालक मुकेश प्रजापति के 8 साल के मासूम बालक की हत्या दर्दनाक तरीके से उसी के मकान में रहने वाले किरायेदार ने कर दी। बालक सोमवार शाम 6 बजे से लापता बताया जा रहा था। परिजनों ने उसकी गुमशुदगी की शिकायत नीलगंगा थाने में की थी। मंगलवार सुबह पुलिस तलाश करती हुई मुकेश प्रजापति के मकान में किराए से रहने वाले सुनील के कमरे में पहुंची। कमरे की तलाशी लेने पर गोदड़ी में लपेटकर कृष्णा का शव पड़ा हुआ मिला, जिसे देखकर परिजनों में हड़कंप मच गया। घटना के समय सुनील लापता था। सब देखा वाले करी नहीं मिला, फिर ढूंढने लगे, निकले थाने पे गए 10 बजे रात को, पूरी छानबीन कुआ खाली करवा लिया, सब कुछ पूरा मोहल्ला चेक करवा लिया, कहीं पता नहीं चला। रात को 2 बजे तक आरोपी भी साथ में, जो भी कह सकते हैं आरोपी यानी जो भी वो साथ में था ढूंढने में, रात को 2 बजे तक ढूंढने में उसने भी मदद करी। और डेड बॉडी इस कमरे में रात को भी नहीं, 10 बजे तक तो नहीं थी, अभी सुबह पाई गई है। 8 साल के मासूम का शव देखकर पुलिस और परिजन भी सहम गए। मासूम के पूरे शरीर पर जगह जगह जलाने के दाग के निशान मिले हैं। पुलिस द्वारा बताया गया कि पीएम रिपोर्ट आने के बाद बालक की मौत का कारण स्पष्ट हो सकेगा। प्रारंभिक जांच में पुलिस के सामने जानकारी आई है कि मुकेश प्रजापति के मकान में 2 किरायेदार रहते हैं, जिसमें ओम प्रकाश अपने परिवार के साथ रहता है, जबकि सुनील पिछले 2 सालों से अकेला रह रहा था। घटना की जानकारी लगते ही उज्जैन IG राकेश गुप्ता और नवागत SP सत्येंद्र कुमार शुक्ला मौके पर पहुंचे और घटनास्थल की जाँच कर पड़ोसियों के बयान दर्ज किए। घटनाक्रम का कल रात का ये घटनाक्रम है और हमने आरोपी चिन्हित कर लिया है। आरोपी के जो भी संभावित स्थान हैं उसमें हमारी पुलिस टीमें लगातार काम कर रही हैं। हम उम्मीद करते हैं जल्दी ही आरोपी हमारी गिरफ्तारी में हिरासत होगा। और ये उन्हीं के घर में रहने वाले जो ऊपर रहते थे, संभवतः घटना उसी के द्वारा कारित किया जाना प्रतीत हो रहा है। और उन्हीं के कमरे में बाहर जो ताला लगा के अंदर डेड बॉडी थी जो दिखाई दे रही है, प्रथम दृष्टया घटना का आरोपी वही और वो फरार भी हो गया। टीमें हमारी लगी है लगातार और हम शीघ्र ही उसको पकड़ेंगे। खबरों में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की अन्य खबरों को जानने के लिए देखते रहिए मृदुभाषी न्यूज़।